दही के समीप ग्राम ककराना में नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा समग्र की नवीन नदी एम्बुलेंस लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। दही के सीमावर्ती अलीराजपुर जिले के ग्राम ककराना में मां नर्मदा तट में नर्मदा समग्र अभियान द्वारा नवीन नदी एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से नर्मदा नदी के तटीय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समाज के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होगी। IRCTC द्वारा यह एम्बुलेंस दी गई है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री और अलीराजपुर जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा जी अध्यक्ष नर्मदा समग्र राजेश दवे प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल स्वतंत्र निदेशक IRCTC विनय कुमार जी शर्मा सहित अन्य गणमान्य जन प्रशासनिक अधिकारी एवं नर्मदा समग्र के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण जन उपस्थित थे। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। जो पुराना अनुभव रहा है कि इस दूरांचल में करीबन सभी फॉरेस्ट एरिया आसपास रहता है, आने में दिक्कत आती है, फिर बाय रोड अगर आप जाते हैं तो बहुत समय लगता है, कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच में समय होता है, वही इसमें फर्क करता है। तो नई बोट है, पेट्रोल इंजन, दो पेट्रोल इंजन इसमें, 40 HP का इसका इंजन है, साइलेंट इंजन है, 1.5 गुना इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, डॉक्टर फुल टाइम इसमें रहेगा, एसेंशियल लाइफ सेविंग इसमें सर्विसेज हमारे पास उपलब्ध रहेगी। तो वीकली जो चार्ट बना है 100 किलोमीटर के करीब रेडियस में ये सर्कुलेशन इसका बोट का रहेगा। 5 दिनों का चार्टिंग हम लोग करेंगे, सबको सूचना दी जाएगी, जिला प्रशासन भी करेगा। बैकअप सपोर्ट में हम, क्योंकि ये मेनली समाज सेवा का कार्य इसके माध्यम से हो रहा है अनिल माधव दवे जी की प्रेरणा से, तो हमारी चाहे 108 एम्बुलेंस हो या दूसरा हमारा दाइयों का सपोर्ट सिस्टम हो, आंगनबाड़ी का हो, स्वास्थ्य सेवा का हो, जिला प्रशासन को अभी इंस्ट्रक्ट किया गया है, कमिश्नर डिवीजन कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो पूरी तरीके से हम इनको सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले समय में मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में ये एक हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।